हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद राधिका में। आज की रेसिपी है भिंडी दो प्याज़ा। इसे आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जो बहुत ही आसान है। इसे किसी पार्टी के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए भी बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 200 ग्राम भिंडी चाहिए, जिसे मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया है और साफ़ कर लिया है। फिर इस तरीके से 1 या 1.5 इंच में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1 टमाटर को मैंने यहाँ पर बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 प्याज को मैंने 4 टुकड़ों में कट करके उसकी स्किन को अलग कर लिया है, और 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, और अदरक और लहसुन को भी बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम भिंडी और प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है, जिसको हम पैन में गरम करेंगे। सबसे पहले हम भिंडी को हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैन में हम भिंडी को ऐड कर देंगे और इसको भिंडी को हम हल्का फ्राई करेंगे। भिंडी को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी परफेक्ट तैयार है। अब भिंडी हम निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कलर लूज नहीं होना चाहिए। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को भी हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज को हम 2-3 मिनट तक ही फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। प्याज को भी फ्राई करने के बाद हम एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। अब हम सेम पैन में ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया था, गर्म होने पर उसमें 2 लाल मिर्च को ऐड किया है, और जीरा ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब बारी आती है बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक की। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर खत्म नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से लहसुन और अदरक को फ्राई कर लेंगे। अब बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर फ्राई होने के बाद अब करेंगे सूखे मसाले ऐड। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार। थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे।
अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे। मसाला भुनने के बाद अब इसी स्टेज पर हम फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्राई किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद ऐड करेंगे टमाटर, जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट किया था। इससे लुक बहुत अच्छा आता है। अब हम सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम गर्मा गर्म सब्जी को सर्व करेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। धन्यवाद।